Hello students, my name is Aarti and I have working here as an assistant professor. Today I am going to teach you, the topic name is Introductions to Anatomy and Physiology and its scope. So student, basically these topics comes under the subject name is Human Anatomy and Physiology. Human Anatomy and Physiology को हम short में बोलते हैं HAP. All right. So it is made up of two terms. First is anatomy and second is physiology. So हम एनाटमी और फिजियोलॉजी का बेसिकली डेफिनेशंस देखेंगे. तो एनाटमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम. ऑल राइट, इसके अंदर जो है हम लोग बेसिकली जो हमारे ऑर्गेन्स हैं, जो हमारी ऑर्गेन सिस्टम है, इसकी स्ट्रक्चर, इसका शेप, इसकी साइज और इसकी लोकेशन, ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसकी स्टडी बेसिकली हम एनाटमी के अंदर करते हैं. ऑल राइट, इन शॉर्ट एनाटमी को अगर हम ब्रेक करें तो ये वर्ड जो है एनाटमी जो है आपका टू वर्ड में ब्रेक होता है, एना एंड नेक्स्ट इज टॉमी. ऑल राइट, सो एना का मतलब होता है अप एंड टॉमी का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कटिंग. All right. So basically, anatomy is the science of body structure between the relationship of organ and organ system. All right. For example, की बात करें हम तो suppose मान लो ये हमारा heart है, ठीक है. Heart words comes under the anatomy. All right. So basically, anatomy is the study of structure. इसको शॉर्ट में हम बताएं तो एनाटमी जो वर्ड है, ठीक है, ये जो है हम लोग इसके अंदर स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ठीक है ना. उसका साइज, उसकी लोकेशन, उसकी शेप, उसकी शेप कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है हम स्टूडेंट्स एनाटमी के अंदर करते हैं. ऑल राइट, सो एनाटमी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा. फर्स्ट इज ग्रॉस एनाटमी ऑल राइट एंड सेकेंड वन इज हिस्टोलॉजी एनाटमी. ओके, सो ग्रॉस एनाटमी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस एनाटमी मीन्स कंप्लीट स्ट्रक्चरल स्टडी. ऑल राइट, इसके अंदर जो है हम लोग पूरी स्ट्रक्चरल स्टडी की कंप्लीट स्टडी करते हैं, ठीक है. कंप्लीट स्ट्रक्चरल स्टडी मींस ग्रॉस एनाटमी. इसके अंदर जो है हम लोग ऑर्गेन्स बॉडी और ऑर्गेन सिस्टम की स्टडी जो है हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू करते हैं. ऑलराइट, देन हिस्टोलॉजी एनाटमी में बेसिकली जो स्टडी की जाती है, इसके अंदर जो है हम लोग टिश्यू, सेल्स एंड ऑर्गेनल्स,
इसके अंदर जो है हम लोग टिश्यू सेल्स एंड ऑर्गेनल्स की स्टडी करते हैं। बट स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर हम लोग जो स्टडी करते हैं वो ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम की स्टडी हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू करते हैं। बट हिस्टोलॉजी एनाटॉमी में जो है हम लोग टिश्यू सेल्स और ऑर्गेनल्स की स्टडी करते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप। ऑल राइट, तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी एनाटॉमी। नेक्स्ट, अब जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में तो हमने देख लिया कि एनाटॉमी क्या है, ठीक है, उसके एग्जांपल्स हमने देखी और देन इसके हमने पार्ट्स देखे, देन हमारा फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी बेसिकली ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम की फंक्शन की स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इस वर्ड को भी अगर हम ब्रेक करें तो ये दो वर्ड में डिवाइड होता है, फिजियो एंड नेक्स्ट इज लॉजी। ओके, सो फिजियो का मतलब होता है नेचर एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। ओके, सो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन। बेसिकली इसके अंदर हम लोग ऑर्गेन्स जो हैं हमारे, जो ऑर्गेन सिस्टम्स हैं, ठीक है, उसकी फंक्शन कैसे हो रही है, उसके प्रोसेस कैसे हैं, कि कौन सी ऑर्गेन जो है क्या वर्क कर रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी फिजियोलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो सपोज स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है हमारा जो मेन वर्क है, हाउ आवर बॉडी पार्ट्स वर्क। ऑलराइट, सो बेसिकली अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में हम सपोज मान लो स्टमक लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्टमक के अंदर जो हमारा HCL होता है प्रेजेंट, वो कैसे सिक्रेट हो रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगी हमारी फिजियोलॉजी कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लें आपका डाइजेशन, ठीक है, तो स्टमक के अंदर हमारा डाइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगी हमारी फिजियोलॉजी कहलाएगी। ऑल राइट, देन नेक्स्ट हम देखेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो वर्ड्स है ये इनकम्प्लीट है विदाउट ईच अदर। सो बेसिक डेफिनेशंस की अगर बात करें हम, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों को कंबाइन करके अगर हम डिफाइन करें तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, साइज, लोकेशन एंड कंप्लीट फंक्शन ऑफ ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम इज नोन एज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये एक तरह से आपका कंप्लीट डेफिनेशन हुई एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। अभी तो मैं इंडिविजुअली एनाटॉमी बताई और फिजियोलॉजी बताई, बट कंप्लीट डेफिनेशन जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की ये हुई, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है फिजियोलॉजी के अंदर हमारे बहुत सारे सिस्टम जो हैं इन्वॉल्व हैं, ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, जैसे हमारा फॉर लाइक एग्जांपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CVS बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है हमारी जो सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। देन नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेनी सिस्टम्स आर हियर इन्वॉल्व्ड इन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि इसके अंदर हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स इंक्लूड्स होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, अंदर हम लोग इसके हार्ट की और ब्लड वेसल्स की स्टडी करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग की स्टडी करते हैं, लाइक फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोस, ब्रोंकियाई, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग इन सब की स्टडी जो है फिजियोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व है।
Physiology is divided into following subdivision. First is plant and human physiology. Second is molecular and cellular physiology. And third one is respiratory and neurophysiology. So students, one by one हम इसको देखेंगे. तो प्लांट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग इसके अंदर जो स्टडी करते हैं वो हम लोग करते हैं स्टडी बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है. देन मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग जो स्टडी करते हैं तो ये स्टडी बेस्ड होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे. ऑल राइट. देन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी एंड न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर जो स्टडी बेस्ड होती है वो हमारी स्पेसिफिक सिस्टम पे होती है. ऑल राइट. सो नेक्स्ट स्टूडेंट, स्कोप ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी. स्कोप मतलब क्या होता है? स्कोप मतलब वेरियस ब्रांचेस. ठीक है. तो एनाटमी और फिजियोलॉजी की वेरियस ब्रांचेस है, जैसे कि हमारा फर्स्ट है हिस्टोलॉजी. फर्स्ट है हिस्टोलॉजी. ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा स्कोप है, आई मीन टू से फर्स्ट जो ब्रांचेज है एनाटमी और फिजियोलॉजी की वो है हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू. इसके अंदर हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? टिश्यू की स्टडी करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी. ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारा? हिस्टोपैथोलॉजी. हिस्टोपैथोलॉजी और लाइट हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी जो है ये एक तरह से माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है टिश्यूज के अंदर फॉर साइन ऑफ डिजीज. ऑल राइट. देन नेक्स्ट है हमारा साइटोलॉजी. ये सारे वेरियस ब्रांचेज हैं एनाटमी और फिजियोलॉजी की. ठीक है. साइटोलॉजी का मतलब होता है इसके अंदर जो हम लोग स्टडी करते हैं वो सेल्स की स्टडी करते हैं. ठीक है. स्टडी ऑफ सेल्स को बेसिकली हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी. तो इसके अंदर हम लोग सेल्स की जो स्टडी करते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्टडी होती है. ऑल राइट. देन नेक्स्ट है हमारा मायोलॉजी. मायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मसल्स. इसके अंदर जो स्टडी होती है वो किसी की स्टडी होती है? मसल्स की स्टडी की जाती है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोलॉजी. ऑस्टियोलॉजी के अंदर जो हम लोग स्टडी करते हैं वो हम लोग बोन्स की स्टडी करते हैं. तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं स्टडी ऑफ बोन्स. देन नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजी. पैथोलॉजी में हम लोग जो स्टडी करते हैं स्टूडेंट, पैथोलॉजी के अंदर हम लोग नेचर, ठीक है, कॉज एंड प्रोसेस ऑफ डिजीज इज नोन एज पैथोलॉजी. ठीक है. बेसिकली हम लोग इसके अंदर जो स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ नेचर कॉज एंड प्रोसेस ऑफ डिजीज इज नोन एज पैथोलॉजी. ऑल राइट. देन नेक्स्ट है हमारा स्पैनोकिनोलॉजी. स्पैनोकिनोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गेन्स. इसके अंदर जो हम लोग स्टडी करते हैं वो ऑर्गेन्स की स्टडी को बोलते हैं हम लोग स्पैनोकिनोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेन्स. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा न्यूरोलॉजी. न्यूरोलॉजी के न्यूरोलॉजी में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो स्टडी होती है नर्वस सिस्टम के ऊपर. ठीक है. न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NS बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा कार्डियोलॉजी. ठीक है. कार्डियोलॉजी के अंदर जो स्टडी की जाती है बेसिकली वो स्टडी हमारी हार्ट की होती है. ठीक है. ठीक है. देन नेक्स्ट है हमारा
हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी इसके अंदर जो स्टडी करते हैं हम लोग वो स्टडी होती है ब्लड्स की, तो स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हमने स्टडी करी वो की इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड इट्स स्कोप। ऑलराइट, सो स्कोप में हमने वेरियस ब्रांचेस देखे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, ठीक है। ये सारे ब्रांचेस हैं, ये सारे स्कोप्स हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने हिस्टोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पैथोलॉजी, साइटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी एंड पैथोलॉजी, स्पेनिकिनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और हेमेटोलॉजी। दिस ऑल टर्म्स कम्स अंडर द ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में जो है, आज तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर्स में यही था हमारा इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड इट्स स्कोप। एंड देन नेक्स्ट में हम लोग वेरियस टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। वेरियस टर्मिनोलॉजी जो है ये भी हमारे यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट के अंदर है। एंड देन जो सेकेंड चैप्टर है वो है हमारा सेल, तो सेल के अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।